तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन, ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। क्या आप अभी भी हैं अपने बालों से परेशान? तो चिंता छोड़िए, अब आपके बालों का होगा 100% इलाज। बालों का झड़ना, बालों का पकना, गंजेपन से मिलेगा छुटकारा। आज ही जाएं बिहार के पहले ट्रैकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज अली के पास, जहां आपको मिलेगा आपके बालों का सफल इलाज। हमारा पता नियर DMCH आउटडोर नाका 6 दरभंगा। दरभंगा आखिर कब होगा जल जमाव से मुक्त, यह कोई नहीं बता सकता है। हर एक साल मानसून आता है, वर्षा आती है और जल जमाव की समस्या हर वर्ष उत्पन्न हो जाती है दरभंगा में। नगर निगम सोती रहती है, जब बरसात आती है तो उसे जल जमाव को लेकर बैठक करती है, नाला उगाही करती है, तथा जहां जब बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है तो कहती है कि वहाँ अतिक्रमण है। बहरहाल आज दरभंगा के लहरिया सराय गुदरी बाजार में जल जमाव को लेकर वार्ड संख्या 47 में अतिक्रमण हटाना एवं नाली उगाही करने को लेकर आज काम किया गया। जो नगर निगम खुद जल जमाव से ग्रसित रहता है, वह दरभंगा वासियों को किस तरीके से जल जमाव से मुक्ति करा सकता है, यह सोचने वाली बात है और प्रश्न खड़ा करता है दरभंगा के नगर निगम पर कि आखिर आप किन ब्लूप्रिंट पर वर्क कर रहे हैं कि हमें सालों साल से जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलती है। आज दरभंगा के लहरिया सराय गुदरी बाजार में बरसात के पानी से जमा हो जाने के कारण वहां के लोग त्राही माम कर रहे थे। इसी बीच आज दरभंगा के नगर निगम ने JCB से वहां पर जो भी दुकान अतिक्रमण किए हुए थे उसको आज अतिक्रमण मुक्त किया गया। गुदरी बाजार में बरसात के पानी जमा हो जाने से वहां के व्यवसायी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यह गुदरी बाजार जहां आपको हर एक सामान मिल जाएगा, वह वहां का व्यवसायियों का एक टोला है जहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया था। हाल में ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 2-3 दिन पहले धरना दे करके नगर निगम को सचेत करने का काम किया गया था। आज दरभंगा के नगर निगम ने यहां पहुंचकर गुदरी बाजार को अतिक्रमण मुक्त करवाया। पालीराम चौक तक हो रहा है, इस बीच में कुछ लोगों के द्वारा नाला अतिक्रमण कर लिया गया, आए दिन गुदरी बाजार में जल जमाव होता था और जल जमाव के कारण आए दिन लोग अपने ही द्वारा मैंने अपने किए गए अतिक्रमण से अपने ही द्वारा हमेशा आंदोलन करते थे। आज इनको खुद अनुभव हुआ कि हमारे द्वारा किए गए जाम से ही दिखता है, तो आज खुद बढ़ चढ़ करके इन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और निगम प्रशासन का कि उन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया। आज हमको उम्मीद है कि गुदरी बाजार जल्द से जल्द जल जमाव से मुक्ति मिले। इतने दिन आप लोग कहाँ थे सर? नहीं, हमेशा हम सर ये कब्जा अतिक्रमण हमेशा जनप्रतिनिधि किया जाता है, आम लोगों के द्वारा किया जाता है, आम लोग ही दबाते हैं इसको और हमेशा जगता रहता है। निगम ही काम करता है, जल्द खुलता है, पी तो नहीं जाता है पानी। निगम सफाई नहीं कराएगी तो जल्द समाप्त मुक्ति मिल पाएगा सर? कितना कराता है तभी समाप्त मुक्ति मिलता है। कितने दिनों तक टारगेट है काम सब है? हमेशा नियंत्रण, ये हमेशा थोड़े कि आज करते कल नहीं, ये तो नियमित वर्ग है, नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। आज अतिक्रमण मुक्त हो गया है तो हम लोग नियमित रूप से काम हुआ। आप अपना नाम परिचय दे दें।